हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास सेवेंथ इंग्लिश। इसमें हम आज करेंगे पोएम नंबर 5, दैट इज ट्रीज, जो कि लिखी है शर्ली वार्न ने। और हम आज इसको पोएम को एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे और इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। सो चलिए शुरू करते हैं। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस इन। पोएट हमसे क्या कह रहे हैं, हमें ट्री की पर्पस बता रहे हैं, ट्री किस किस के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने कहा ट्री आर फॉर बर्ड्स, वो बर्ड्स के लिए है, बर्ड्स रहते हैं ट्रीज पे। देन ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए क्यों कहा, क्योंकि चिल्ड्रन हम लोग, आप लोग भी जब खेलने जाते होंगे, यू स्टे देयर, यू प्ले अराउंड ट्रीज, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस इन, तो ट्रीज जो है उसमें हम ट्री हाउसेस बनाते हैं। ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन, जब कभी झूले लगाए जाते हैं तो वो ट्री की ब्रांचेस पे होते हैं, तो स्विंग मतलब झूले और उस पर हम लोग झूलते हैं। ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन, स्विंग्स है ढेर सारे उस पर झूले, और पहला वाला स्विंग इज द वर्ब, यानी उस पर झूला झूलना। ठीक है, ट्रीज आर फॉर विंड टू ब्लो थ्रू, ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड एंड हाइड एंड सीक, ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन। अब हमें और क्या बताया उन्होंने, ये बताया कि ट्रीज जो है वो विंड के लिए है, उससे विंड, इतनी अच्छी विंड बहती है। देन देयर आर ट्रीज जिसमें हम छुपम छुपाई खेलते हैं, आप लोग खेलते हो गए, पीछे छुप जाते हो गए, हाइड एंड सीक। So, trees are for that purpose. And trees के नीचे we do picnic, we do tea parties. तो trees उसके लिए भी है। And जब हम kites flow करते हैं, जब हम kites उड़ाते हैं, then it get caught sometimes into the trees branches. So trees उसके लिए भी है। मतलब उन्होंने हर एक purpose देखने की कोशिश की है in the daily life whatsoever. We do the activities around the trees, और हमें वो सब कुछ यहाँ पे हमारे activities से related उन्होंने यहाँ पे बताया है। Then trees are to make cool shade in summer, trees are to make no shade in winter, trees are for apples to grow on and pears, trees are to chop down all called timber, trees make mother say what a lovely picture to paint, trees make father says What a lot of leaves to rake this fall. अब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि समर में सबसे पहले क्या कहा, कूल शेड इन समर, समर्स में जब इतनी गर्मी होती है, ट्रीज के नीचे जाओ तो क्या ठंडा लगता है, अच्छा लगता है, सो कूल शेड वो हमें देते हैं, और विंटर में वो हमें कोई शेड नहीं देते, क्योंकि उनके जो लीव्स होते हैं वो झड़ जाते हैं, वो शेड हो जाते हैं, इसलिए वो वहां पे शेड नहीं मिलता हमें। देन ट्रीज पे क्या होता है, एप्पल्स ग्रो करते हैं, पियर्स ग्रो करते हैं, मतलब डिफरेंट फ्रूट्स, डिफरेंट वेजिटेबल्स ग्रो ऑन ट्रीज। ट्रीज आर टू चॉप डाउन ऑल कॉल्ड टिम्बर, मतलब टिम्बर, टिम्बर इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर वुड। तो यहाँ उन्होंने कहना चाहा है कि ट्रीज को हम लोग काट देते हैं फॉर द टिम्बर, फॉर द वुड्स। देन ट्रीज को ही देख करके मदर्स क्या कहते हैं जनरल, ये कितनी अच्छी जगह है, कितना लवली व्यू है, इसको तो पेंट करना चाहिए। और फादर्स क्या कहते हैं, इस फॉल यानी ऑटम सीजन में कितनी सारी लीव्स यहाँ पे शेड होंगी। तो हमारे अलग अलग व्यूज, हमारे अलग अलग पर्पस, ये सब इन्होंने हमें इस पोयम के थ्रू स्वीटली बताया है। तो चलिए आपको समझ आया होगा, और अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। What are the games or human activities which uses trees or in which trees also participate? You know, हमें poem से कौन कौन सी ऐसी games या activities मिली हैं जिसमें trees participate करते हैं या जो tree के around होती है? Here are the things जो हमने अभी पढ़ी। Trees are used by children to play hide and seek. Children make tree houses to play in. Adults have tea parties under the shade of trees. Also They use them as a scene to paint.
Then trees have to make no shade in winter. What does this mean? Trees provide shade during the scorching summer. During winter, trees shed their leaves, as the people enjoy the sun during winters. Hence, trees are to make no shade in winter. Trees are for apples to grow on or pears. Did you agree that one purpose of a tree is to have fruit on it? Or do you think this line is humorous? Yes, I agree that one purpose of tree and very one important purpose is to provide us fruit and eatables. Humans receive a lot of eatables from the trees. Then with the help of your partner, try to rewrite these some lines in poem or add new ones of your own. So we have like, trees are for birds to build nest in. जो हमारे पास होता है तो उसको देख करके थोड़ी new lines आपको बनानी। जैसे इन्होंने क्या बनाया है कि trees are for birds to build nests in, उसमें nest बनाने के लिए। Trees are for people to sit under. Now try to compose a similar about air, water, anything. Air is for people to breathe in. Air is for kites to fly high in the sky. So we have completed this chapter here, this poem. Hope so, आपको ये poem समझ आई होगी, clear हुई होगी, explain अच्छे से हुई होगी और आपके question answers भी solve हो गए होंगे. और अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट आउट विद योर फ्रेंड्स एंड हमें सब्सक्राइब नहीं किया अगर अभी तक हमारे यूट्यूब फैमिली से नहीं जुड़े हो तो प्लीज सब्सक्राइब अस एंड स्टे अपडेटेड बाय हिटिंग द बेल आइकन.